बड़ी जानकारी पंजाब से। एएमबी न्यूज पर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 2 अगस्त से दोबारा स्कूल खुलेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने ये जानकारी साझा की है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा, स्टूडेंट्स के माता पिता से अंडरटेकिंग लेकर ही हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब पंजाब सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। पंजाब से बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 2 अगस्त से दोबारा स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने इस बाबत जानकारी साझा की है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा, स्टूडेंट्स के माता पिता से अंडरटेकिंग लेकर ही स्कूल खोल रहे हैं। 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाने की अनुमति पहले ही सरकार दे चुकी थी। अब पंजाब सरकार ने सभी क्लासेस के स्कूल को खोलने का फैसला ले लिया है। कोविड का जो कहर है वो अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। इसी के मद्देनजर अब बच्चों की शिक्षा पर ध्यान राज्य सरकारें दे रही हैं। इसी के तहत पंजाब सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 2 अगस्त यानी सोमवार से स्कूल खोले जाएंगे। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे अपने माता पिता की अनुमति लेकर ही स्कूल आ सकेंगे। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने इस बाबत जानकारी साझा की है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि स्टूडेंट्स के माता पिता से अंडरटेकिंग लेकर ही हम स्कूल खोल रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल जो है वो पहले ही खोले जाने की अनुमति दी जा चुकी है। अब पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।